वहीं गुजरात में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आखिरी दिन है आज, और आज गुजरात में करेंगे पीएम मोदी 4 चुनावी रैलियां। गुजरात में तीसरे चरण में वोटिंग है, ऐसे में अपने गृह राज्य को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, चुनावी रैलियां करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गुजरात में तीसरे चरण में वोटिंग होने वाली है, और ऐसे में गुजरात को साधेंगे प्रधानमंत्री। कल भी गुजरात के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए विपक्षी गठबंधन पर निशाना भी साधा था। कल गुजरात दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बातें भी कही गई। तो पीएम मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन गुजरात को साधेंगे, 4 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दौरे का दूसरा और आखिरी दिन 4 चुनावी रैलियां उनकी तरफ से की जाएगी। अपने गृह प्रदेश गुजरात को साधने की कोशिश वो करेंगे, क्योंकि तीसरे चरण में गुजरात में चुनाव है। गुजरात से खास लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि गृह राज्य भी है और प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में देखिए, कल की जनसभाओं में जो जनता है उनका खासा प्रेम प्रधानमंत्री की तरफ देखने को मिला, और आज फिर से वो चुनावी रैलियां करते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पहली उनकी जनसभा जो है वो सुबह 11 बजे रखी गई है आणंद गुजरात में। तो आणंद में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी जनसभा दोपहर 1 बजे है उनकी। तो पीएम मोदी गुजरात के मिशन पर, और मितेश रमेश भाई पटेल बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अमित चावड़ा कांग्रेस के प्रत्याशी। तो दिलचस्प ये मुकाबला देखने को मिलेगा आणंद सीट पर। तो वहीं देखिए, सुरेंद्रनगर सीट का महामुकाबला चंदू भाई शिहोरा बीजेपी प्रत्याशी, और यहां पर ऋत्विक भाई मकवाड़ा कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में ये मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वहीं सुरेंद्रनगर सीट का ये महामुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच। आज सुरेंद्रनगर की जनता को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं जामनगर सीट का महामुकाबला देखिए, पूनम बेन मादाम बीजेपी प्रत्याशी और जेपी मारविया कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो जामनगर सीट को भी साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपनी रैली के जरिए, संबोधन के जरिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश पूनम बेन मादाम के समर्थन में प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर की जाएगी। तो तमाम सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला गुजरात में देखा जा रहा है, जहां पर तीसरे चरण यानी कि 7 मई को चुनाव होने वाला है। अब देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कौन कौन सी जनसभाएं हैं। यूपी दौरे पर वो रहेंगे, दोपहर 12:30 बजे उनकी पहली जनसभा है, और रामलीला मैदान बरेली में उनकी ये जनसभा प्रस्तावित है। तो वहीं दूसरी जनसभा अमित शाह की दोपहर 2:15 पर ये जनसभा रखी गई है। तो कुल 3 जनसभाएं इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड बदायूं में केंद्रीय गृह मंत्री की जनसभा, तीसरी जनसभा उनकी प्रस्तावित है शाम 4 बजे का समय, और जगह है लहरपुर सीतापुर। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी मैराथन दौरा जारी है। पहली जनसभा सुबह 11:25 पर होगी जेपी नड्डा की धर्मगंज मेला मैदान में। तो तमाम दिग्गजों का ये शेड्यूल हम आपको दिखा रहे हैं। अररिया बिहार में जनसभा उनकी होगी पहली, और दूसरी जनसभा का समय जो है वो दोपहर 1:40 पर है। तो बीजेपी अध्यक्ष केरमा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर बिहार में उनका ये कार्यक्रम, बिहार को साधने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी, और उनकी तीसरी जनसभा का जो समय है वो शाम 5 बजे का समय है। तो ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे, नया बस स्टैंड में उनकी जनसभा, और सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुखिया का रोड शो सुबह 10 बजे मैनपुरी में
देखा जाएगा, जहां पर क्रिश्चियन तिराहे से वहां पर महाराणा प्रताप चौराहे तक ये रोड शो होगा। तो सीएम योगी की जनसभा दोपहर 12:50 पर प्रस्तावित है रामलीला ग्राउंड एटा में। साथ ही देखिए दोपहर 12:50 पर जनसभा को संबोधन के दौरान रामलीला ग्राउंड में खासी भीड़ जुटने की उम्मीद। एटा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी के ये तमाम बड़े नेता जिनके कार्यक्रम हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताए, लगातार तमाम जिलों का, राज्यों का दौरा करते हुए ये नेता नजर आ रहे हैं।